Y me gana más vale si no es con él. मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होता है? मीडियाटेक में कौन सा ड्राइवर यूज होता है? अब क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? कौन सा टूल यूज होता है? ड्राइवर। चलो अब ये बता दो, कौन बताएगा कि सीपीयू को कितने तरीके हैं जानने के? सभी को पता है क्या? इतने लोगों को पता है सीपीयू जानने का तरीका? चलो वो आपको पता है, पांचवा तरीका आपको पता है ना? चलिए ठीक है, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। पांचवा तरीका हमारे स्पेशल एसए टेलीकॉम स्टूडेंट को दिया जाता है, वो पांचवा तरीका है क्या कि हम पांचवा तरीके से कैसे सीपीयू जानते हैं? ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एसए टेलीकॉम। दोस्तों आज हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है, मैं हूँ दुर्गेश कुमार सोनी और ये हमारे स्टूडेंट हैं और आज सॉफ्टवेयर का रिव्यू ले रहे हैं हम। 6 दिन की क्लास 7 दिन की क्लास हो चुकी है, हम आपको बताते हैं कि ये कैसा सीखे हैं कैसा नहीं सीखे हैं, सारा चीज आपको स्टूडेंट ही बताएंगे। तो चलिए हम अपने स्टूडेंट से मिलवाते हैं आपको। चलिए तो ये सॉफ्टवेयर की क्लास कितने दिन की हो गई? 7 दिन की क्लास हो गई है। सॉफ्टवेयर लगभग आपका कंप्लीट ही हो गया है, अब कुछ चीजें बची हैं जो कि वो कुछ दिन में फाइंड हो जाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्लास अभी बाकी है। तो हमारे ये स्टूडेंट हैं और हम आपको बता दें ये हमारे 28 अक्टूबर बैच के स्टूडेंट हैं। चलिए तो सॉफ्टवेयर, तो हम इनको खड़ा करते हैं सबसे पहला। उससे पहले सॉफ्टवेयर कौन कौन कर लेगा? सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप अपना पहले नाम बताइए और कहां से? मेरा नाम छोटेलाल कुमार सोनी है, मैं नेपाल से हूं। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर कितने बेसिस से होते हैं? दो बेसिस होते हैं। कौन कौन सा? एक सीपीयू वाइज और एक फाइल वाइज। आपने अभी तक जो पढ़ा है पूरा सीपीयू वाइज पढ़ा है, आज जब अब जो पढ़ेंगे वो कौन सा? फाइल वाइज पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक सीपीयू वाइज जो भी था आपने पढ़ लिया है? चलिए ठीक है। पहले दिन की क्लास आपकी किसकी हुई थी? मीडियाटेक की। पहले दिन टूल्स की हुई, सेकेंड दिन मीडियाटेक की हुई। फिर से, पहले दिन की क्लास आपने किसका लिया? टूल्स का लिया। तो टूल में मैं पूछना चाहता हूँ, टूल में कौन कौन सा टूल आपने सीखा? सर मिरेकल टूल। मिरेकल। और आपने फिर दूसरा टूल? एमआरटी। तीसरा टूल? यूएमटी। चौथा टूल? जेट3एक्स। अब बस इतना बता दो कि जेट3एक्स, एमआरटी, मिरेकल को कहां से डाउनलोड करना है? आप कर लेंगे? जी सर कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी दिन की हमारी क्लास हुई, दूसरी दिन की क्लास हमारी कौन सी हुई? मीडियाटेक। तो हम मीडियाटेक में बात करते हैं, तो मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? मीडियाटेक में स्कैटर फाइल आती है। कौन सा टूल यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। कौन सा ड्राइवर उसमें? बीकॉम प्रीलोडर यूएसबी ड्राइवर। कितने ड्राइवर देने होते हैं? दो ड्राइवर देने होते। कौन कौन से? 6588-6700। वेरी गुड। और एक बात बता देते हैं आईसीयू के बारे में, MT-62X क्या होता है? MT-62X क्या होता है? MT-67X क्या होता है? ठीक है, तो मतलब आईसीयू आप पहचान जाएंगे ना, कहीं पे भी आईसीयू में आपको लिखा मिले MT-62X, MT-65X, MT-67X आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो हमने टूल के बारे में जाना, तो टूल कौन सा यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। कौन सी फाइल आती है? स्कैटर। अब हम बात करते हैं एसपी फ्लैश टूल कौन सी फाइल को लेगा? स्कैटर फाइल लेगा, ठीक है। तो आपने मीडियाटेक का, और मीडियाटेक में अगर कोई एरर आता है, जैसे एक एरर आता है मीडियाटेक में डीए का एरर, तो डीए का एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे? डीए एरर उसका प्रॉपर फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। डीए का प्रॉपर फाइल डाउनलोड करना है, क्या करना है? अगर आपको वो तो गूगल में मिल जाएगी, या तो यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगी, या तो आपको पैड मिलेगी। क्या मिलेगी? नहीं तो मैं आपको बता दूं, डीए के लिए आपको फिर लास्ट में क्या करना होगा? एमएमसी करना होगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना होगा? और एक यूएमटी वालों ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि बहुत सारे डीए आप 1x1 उसको चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, दूसरे दिन की क्लास आपने क्या अटेंड की? दूसरा दिन के समय क्वालकॉम सीपीयू का सर किया। क्वालकॉम? तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? क्वालकॉम में सर firehouse.mbn करके फाइल आता है। वेरी गुड। और उसमें टूल कौन सा यूज होता है? उसमें टूल सर यूज होता है क्यूपीएसटी टूल। ड्राइवर? ड्राइवर सर क्यूटी लोडर 9008 होता है सर।
सभी को पता है ना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सबसे एक एक करके पूछेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इस वीडियो को हम जो भी है एक एक स्टूडेंट से ही तो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। और क्वालकॉम में मैं बात करूं टूल, और आप क्वालकॉम में कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट टूल आप क्या बोल सकते हैं जो आपने सीखा है? मैं बोलूंगा यूएमटी से सर करिए, क्वालकॉम कैसे होगा तो यूएमटी से बेस्ट होता है सर। और दूसरी बात, और कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं उसे? आप सॉफ्टवेयर की क्लास लेके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी लग रहा है सर। मतलब जो आप सीखने आए थे, जो एक्सपेक्ट किया था ऐसे टेलीकॉम से, आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, जरूर मिले, सॉफ्टवेयर से मिल रहा है, हार्डवेयर से मिल रहा है। हार्डवेयर की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको सुबह प्रैक्टिकल भी दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर की क्लास तो चली रही है, पर उसके बीच में सुबह मॉर्निंग में आपको क्या दिया जा रहा है? हार्डवेयर का प्रैक्टिकल मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब तीसरे दिन की क्लास, तीसरे दिन की हमारी क्लास क्या हुई थी? एमआई। तो एमआई में कितने प्रकार के सीपीयू आते हैं इसमें? एमआई में दो प्रकार के, दो प्रकार से, क्वालकॉम और एमटीके। क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में ज्यादातर क्वालकॉम ही आता था, अब वो मीडियाटेक आने लगा है। एमआई की क्लास हुई, तो एमआई की क्लास में कौन सा टूल यूज होता है? एमआई में फ्लैश टूल। एमआई ड्राइवर, ड्राइवर क्यूडू लोडर 9000। क्यों? ये क्योंकि उसमें कौन सा सीपीयू आता है? अब नए फोनों में मीडियाटेक भी आने लगा, तो मीडियाटेक के लिए कोई अलग से ड्राइवर डालने है क्या? क्योंकि ऑलरेडी हमने मीडियाटेक का ड्राइवर मैनुअली चलाया कि इंस्टॉलर? इंस्टॉलर भी आपको चलाना है, बट आपको वन टाइम मैनुअली ड्राइवर को चलाना ही है। कितने ड्राइवर? दो ड्राइवर चलाना है, MT-65XX प्रीलोडर, USB ड्राइवर, MT-67 प्रीलोडर। तो उसके लिए अगर वो एमआई का मीडियाटेक का सीपीयू आया, तो आपको अलग से ड्राइवर चलाने हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से आपने मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एमआई का, तो एमआई में किस मोड से वो फ्लैश या तो एफआरपी हटता है? ईडीएल मोड से। ईडीएल मोड लाने के लिए कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो ईडीएल केबल आता है, उससे भी हटा सकते हैं, और दूसरा टेस्टिंग बॉय से भी हटा सकते हैं, और फिर वॉल्यूम अप डाउन से भी हटा सकते हैं। एमआई का प्रॉपर बताइए। एमआई का टेस्टिंग बॉय से हटा सकते। क्वालकॉम का कैसे आ सकता है? क्वालकॉम में ईडीएल पॉइंट कैसे बनाएंगे? एरियल पॉइंट केबल से बना सकते हैं। केबल से कैसे? कौन सा केबल उसके लिए? एरियल केबल, ईडीएल केबल। और उसको कैसे? और भी, और आपको वॉल्यूम अप और डाउन दोनों एक साथ को दबाना पड़ेगा। और जो नए फोन आ रहे हैं वो उसका टेस्ट पॉइंट भी आ रहा है, ओप्पो वीवो का जो फोन आ रहे हैं उसमें भी टेस्ट पॉइंट आ रहा है। टेस्ट पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी सैमसंग की हुई। तो सैमसंग की क्लास में हम बता दें आपको फाइल कौन सी आती है? सैमसंग में आती है टर फाइल आती है, .tr MD5। उसका पूरा नाम है .tr भी हम बोल सकते हैं। और उसमें टूल कौन सा यूज होता है? ओडिन। अब उसमें ड्राइवर? सैमसंग फ्लैश टूल, कोई बात नहीं। सैमसंग में कौन सा ड्राइवर यूज होता है? सैमसंग यूज भी ड्राइवर। तो अब हम तो फ्लैशिंग की बात कर ली, अब हम एक बात करते हैं सैमसंग में, सैमसंग के एफआरपी कितने मोड से हटा सकते हैं? दो मोड से। कौन कौन सा मोड है आप बताओ? सैमसंग एफआरपी कितने मोड से हटा सकते हैं? सैमसंग एफआरपी कितने मोड से हटा सकते हैं? कौन कौन से? आप बताइए। अगर नॉर्मल, अगर हमारा डाउनलोड मोड से हट जाता है, तो डाउनलोड मोड तो आपका नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आने के लिए क्या क्या तरीका है डाउनलोड मोड लाने के लिए? डाउनलोड मोड में पावर है, डाउन और होम की और पावर एक साथ प्रेस करना है, आपका डाउनलोड मोड पे ले जाएगा। अब आप तो उससे एफआरपी हटा लेंगे, बट अगर एडीबी से हटाना हुआ तो क्या करेंगे आप? उसमें हमें कॉम्बिनेशन फाइल, क्योंकि आप हमसे ये बता दिए एडीबी नॉर्मल तरीके से ऑन हो जाता है क्या? नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? हमें फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन फाइल। तो कॉम्बिनेशन फाइल आप जैसे ही फ्लैश करते हैं तो आपका एडीबी इनेबल हो जाता है। आप एडीबी इनेबल हो जाएगा तो आप एफआरपी हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास हमारी, अब उस नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी हुई? आईफोन। तो आईफोन में ड्राइवर डालने हैं क्या? नहीं सर, वो आईट्यून डालेंगे तो उसमें आईट्यून सेटअप, ड्राइवर डिटेक्ट हो जाता है, सेटअप प्लस ड्राइवर दोनों डिटेक्ट हो जाता है। तो हमें कितने टूल चलाने होते हैं? टूल चलाने होते हैं। कौन कौन से? और थ्री यू टूल। चलो ठीक है, अब उसके लिए हम बात करें फाइल कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल हम थ्री यू टूल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आईट्यून से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके वेबसाइट IPSW से भी डाउनलोड, IPSW से आप जाके प्रॉपर उसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियाटेक में, तो मीडियाटेक में कौन से मोड में फ्लैश होता है? मीडियाटेक सर फ्लैश मोड में होता है। तो फ्लैश मोड क्या क्या होता है?
फ्लैश मोड एक वाल्व में आप डाउन और दोनों दबाए और नॉर्मल मोड में भी होता है। मतलब या तो आप या तो डाउन या तो दोनों या तो कुछ भी नहीं। अब आप बताइए क्वालकॉम किस मोड में होता है, तो हमने बता ही दिया एडेल मोड में होता है। अब सैमसंग किस मोड में होता है? एडीबी मोड और डाउनलोडिंग मोड। तो हमें आप ये बताइए सैमसंग में हम बात करते हैं एमआई में, एमआई में कौन सी फाइल आती है? इमेज फाइल सर। इमेज फाइल आती है और उसको फॉर्मेट क्या होता है? टीजीजेड उसका फॉर्मेट होता है, प्लस वो एक इमेज फाइल होती है, क्योंकि केवल और केवल किस टूल को सपोर्ट करेगी? एमआई फ्लैश टूल। और एमआई फ्लैश टूल केवल और केवल वो एक इमेज फाइल को सपोर्ट करती है। बट आप उसको कहां कहां से और फ्लैश कर सकते हो? एमआई को हम कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं? सर एमआई को यूएमटी से फ्लैश कर सकते हो और मिराकल से फ्लैश कर सकते हैं। यूएमटी सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें केवल और केवल एक फाइल देनी होती है। कौन सी फाइल? फ्लैश फाइल, रॉ फाइल देनी होती है। आप उसमें केवल और केवल एक फाइल से डालना है और यूएमटी से आप फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर कर लेंगे। अब एक चीज बचा हुआ है हमारा स्पीडी। हमारी क्लास थी स्पीडी, तो स्पीडी में कौन सी फाइल आती है? बैक फाइल आती है। टूल टूल तीन टूल्स आती है। तीन टूल कौन कौन से? एक ही टूल बता दो। अपग्रेडेड टूल आते हैं। अपग्रेडेड टूल और बाकी आपके सभी टूल पता है? ड्राइवर SCI ड्राइवर को आपको मैनुअली चलाना है कि ऑटोमेटिक? मैनुअली चलाना है। मैनुअली आपको देना है, मैनुअली ड्राइवर आप चला लेंगे? हाँ सर। कैसा लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर क्लास लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप जो सीखने आए थे, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, तो अब आपकी आप मैं फिर से बात करता हूँ, सभी बोलेंगे जो भी है। अब सॉफ्टवेयर कितने बेसिस से होता है? कौन कौन से? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम दोस्तों सब इतने लंबे वीडियो बन जाते हैं, क्योंकि हम सबको एक एक करके खड़ा करके नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होता है? मीडियाटेक में कौन सा ड्राइवर यूज होता है? अब क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? कौन सा टूल यूज होता है? ड्राइवर। चलो अब ये बता दो, कौन बताएगा कि सीपीयू को कितने तरीके हैं जानने के? सभी को पता है क्या? इतने लोगों को पता है सीपीयू जानने का तरीका? चलो तुम ही बता दो। सीपीयू जानना है सर, कोई मोबाइल को तो सबसे पहले गूगल में लिखेंगे उसका मॉडल नंबर और सीपीयू टाइप लिखेंगे तो आ जाएगा। क्या लिखेंगे? मॉडल नंबर। दूसरा तरीका है सर, जैसे महीना से वेबसाइट होता है उसी से मैं पता कर सकते हैं, अगर पोर्ट से भी पता कर सकते हैं, अगर उसमें डायमंड। दूसरा क्या तरीका है? तीसरा सर पोर्ट बना के मैं उसका ड्राइवर है तो पोर्ट बना के मैं उसका सीखो। तीसरा पोर्ट ये बताओ पोर्ट कब बनाएगा? जब उसमें ड्राइवर होगा। पोर्ट कब बनाएगा तुम बताओ? ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद। जब ड्राइवर हमारा रहेगा तभी हमारा पोर्ट बनाएगा, नहीं तो नहीं। चौथा उसका फाइल या फ्लैश टूल से भी पता कर सकते हैं सर। मतलब फाइल या उसके फाइल से या तो टूल से। और एक पांचवा तरीका है, वो पांचवा तरीका भी है, वो पांचवा तरीका मैं बता देता हूँ। पांचवा तरीका है, अगर जो बिल्कुल भी फ्रेशर है, जो बिल्कुल भी इन चारों चीजों से पता नहीं चलती है, तो आप क्या करिए, वो आपको पता है पांचवा तरीका, आपको पता है ना? चलिए ठीक है, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। पांचवा तरीका हमारे स्पेशल एसे टेलीकॉम स्टूडेंट को दिया जाता है, वो पांचवा तरीका है क्या कि हम पांचवा तरीके से कैसे सीपू जानते हैं? ठीक है, तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आप बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ जो आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है।